हाय एवरीवन, मैं हूँ तस्नीम और द कंप्यूटर मैन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रही हूँ वो है ये पोर्टेबल मिनी यूएसबी ज्यूसर। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कितना छोटा मिनी ज्यूसर है, आप देख सकते हैं। मीन्स हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, है ना। और ये किचन में स्पेस भी बहुत ही कम लेगा। और ये जो है वन क्लिक पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इसका बटन दिया हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। और ये मल्टी यूज ज्यूसर ब्लेंडर है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देती हूँ और इसे यूज करके भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पोर्टेबल मिनी जूस ब्लेंडर की बॉडी जो है वो ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑन ऑफ बटन है, इसे हमें डबल क्लिक करना है यूज करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लॉट दिया गया है, ये चार्जिंग स्लॉट है। हम कोई भी इस तरह की मोबाइल की जो पिन रहती है, माइक्रो यूएसबी पिन, उसे हम चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो साइड है वो हमें कोई भी मोबाइल के डॉक के साथ हमें लगा देना है। और इसे हमें एटलीस्ट 3 से 4 घंटा अच्छे से चार्ज करना है यूज करने से पहले। और ये 1 मिनट लेता है कोई भी चीज ब्लेंड करने के लिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो 1 मिनट के अंदर वो ब्लेंड कर देता है। तो इस तरह से आप 10 से 12 बार इस ब्लेंडर को यूज कर सकते हैं 3 घंटे या 4 घंटे चार्ज करने के बाद। तो मैं आपको बताऊं, ये उसका जार बोलिए, आप इसे कप भी कह सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर उसकी ब्लेड दी गई है कि ये 4 ब्लेड का जूसर है और ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड है। तो चलिए अब हम जूस बनाते हैं। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 2000 mAh पावर की है। तो मैं लीची का जूस बना रही हूँ, तो हम ऐड कर लेते हैं लीची इस जार में। ये थोड़ा सा लींबू हम स्क्वीज कर रहे हैं इसमें, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लींबू स्क्वीज किया है। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। और ये मैंने 3 टीस्पून शुगर ऐड किया है। और अब हम इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे। यहाँ पर मैक्स लिखा है, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, वो आपको जार की बॉटल पे दिख जाएगा। तो वहां तक ही हमें इसे फुल करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो हमें इसे चलाते वक्त इसे शेक करना है इस तरह से, या इस तरह से जैसे आपको जमे वैसे आप इसे शेक कीजिए और इसे यूज कीजिए, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट जो ये होता है वो डबल क्लिक पे होता है, तो इसी तरह से हमें इसे शेक करते हुए यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है विद इन 1 मिनट के अंदर। तो अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। तो हमें इसे उल्टा करना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे खोल के निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, ये हमारा लीची का जूस बन के रेडी है। और हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा जूस। तो आप इसी तरह से इस लीची का जूस बना सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको मैंगो जूस बनाकर बताती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले आइस ऐड कर लेते हैं। अब थोड़े से मैंगोज ऐड कर देते हैं इसमें, हमें कट करके ही यूज करना है। देखिए पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल आप जो भी इसके अंदर ब्लेंड करेंगे तो उसे पीसेस में कट करके कीजिए। इसमें अब थोड़ी सी मैं शुगर ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ, बस 1 टेबलस्पून। और अब हम फिर से इसे बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर वही, हमें इसे डबल क्लिक से स्टार्ट करना है बटन को। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
हमारा मैंगो का जूस बन चुका है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। पहले हमें इस तरह से इसे रख देना है, ये देखिए इस तरह से, तो जो भी जूस ऊपर है वो सारा नीचू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे ओपन करते हैं। फिर देखिए अब हम इसे इस ग्लास में निकाल लेते हैं। देखिए डिलीशियस माउथ टेम्पटिंग मैंगो जूस बनके हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स देखा ना, इस मिनी पोर्टेबल जूसर की हेल्प से हमने कितने फटाफट से अच्छे से जूस बना लिए। तो आप कोई भी सीजन में इस जूसर से आप जूस बना सकते हैं, बहुत ही इजीली यूज हो जाता है ये, मैंने आपको बताया। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इस जूसर को खरीद सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा उस पर आपकी प्रीशियस कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा। और इस जूसर को लेकर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।